Hello all, today we are going to learn about one of the very important topic in molecular biology, and that is satellite DNA. Now, why it is so important to learn about satellite DNA? The reason is satellite DNA के ऊपर ही पूरा DNA fingerprinting का process based है. ओके इसीलिए इस प्रोसेस को इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है. नाउ व्हाट इज एक्चुअली सैटेलाइट डीएनए. इट इज अ रिपीटेटिव डीएनए मींस द पर्टिकुलर बेस पेयर सीक्वेंस इज गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन. ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस है वो फिर से रिपीट हो रहा है, तो वी कॉल इट सैटेलाइट डीएनए. नाउ इट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एरेज वेरी लार्ज एरेज ऑफ टेंडमली रिपीटिंग नॉन कोडिंग डीएनए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो नॉन कोडिंग डीएनए है, मींस इट्स अ पार्ट ऑफ द जंक डीएनए, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द फंक्शनल जीन. ओके और द इंपॉर्टेंट और द एक्सप्रेसिबल रीजन. ठीक है, ये नॉन कोडिंग रीजन का पार्ट है. लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट है कि दीज आर वॉट टेंडमली रिपीटिंग. अब टैंडमली रिपीटिंग का मतलब क्या है? अगर कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस अगेन एंड अगेन वही रिपीट हो रहा है सेम, तो वी कॉल दैट एज टैंडमली रिपीट. इट माइट बी अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिपीट. सपोज कहीं डीएनए में कंटिन्यू ए ए ए ए आ रहा है एक स्ट्रैंड में, तो डेफिनेटली दूसरे स्ट्रैंड में क्या आता होगा? टी 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 टी. दिस इज ऑल्सो अ रिपीट, टैंडम रिपीट. इट इज अ मोनोन्यूक्लियोटाइड रिपीट, बट इट कैन बी डाइन्यूक्लियोटाइड ऑल्सो. सपोज कहीं आपके डीएनए में कंटिन्यू सी जी सी जी सी जी सी जी इफ इट इज देयर, तो डेफिनेटली अपोजिट साइड में क्या होगा? जी सी जी सी जी सी जी सी. करेक्ट, दिस इज अ डाइन्यूक्लियोटाइड रिपीट, बट बोथ आर रेफर्ड एज टैंडम रिपीट्स. इट कैन बी टेन न्यूक्लियोटाइड रिपीट ऑल्सो, कोई भी एक सीक्वेंस एटीजीसी एटीजीसी एटी. ओके एंड इफ द सेम सीक्वेंस अगेन एटीजीसी एटीजीसी एटी एटीजीसी एटीजीसी एटी इफ इट इज गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, तो एक ही डीएनए में वही पर्टिकुलर सीक्वेंस फिर से रिपीट हो रहा है. इसको हम लोग बोलते हैं टैंडमली रिपीटिंग सीक्वेंस. और ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रैंड को या पर्टिकुलर सीक्वेंस को वी कॉल सैटेलाइट डीएनए. ओके अब इसको सैटेलाइट क्यों बोला जा रहा है? तो पहली चीज तो क्लियर हो गई दैट इज अ टैंडमली रिपीटेड. करेक्ट, एंड सच सीक्वेंसेस आर फाउंड इन मोर क्वांटिटी इन सेंट्रोमियर एंड टेलोमियर एज वेल एज द हेटरोक्रोमैटिक रीजन. क्योंकि हम लोगों ने अभी भी देखा है दीज आर नॉन कोडिंग डीएनए, कोडिंग रीजन में नहीं है. एंड इन अ क्रोमोसोम, अगर हम लोग यहां एक क्रोमोसोम निकाले तो इन अ क्रोमोसोम द सेंट्रोमेरिक रीजन इज द वन विच इज नॉन कोडिंग. ओके देन द टेलोमेरिक रीजन इस जहां पे भी पूरा जंक डीएनए होता है. करेक्ट, बट अदर देन दैट इन अ क्रोमोसोम यू माइट फाइंड सर्टन रीजन्स विच आर मोर कॉम्पैक्ट. मतलब इस रीजन में जो आपका डीएनए है वो ज्यादा कॉम्पैक्ट है, ज्यादा उसका क्लियर पैकेजिंग हुआ है. ओके क्यों हुआ है? तो डेफिनेटली उस रीजन में जो डीएनए है दैट इज नॉन कोडिंग, अनएक्सप्रेसिबल रीजन, एंड वी कॉल सच रीजन्स एज हेटरोक्रोमैटिन. करेक्ट, अदर देन दैट वो रीजन आपके डीएनए का जो इतना ज्यादा पैक नहीं है विच इज लूज कंपैरेटिवली, वी कॉल सच रीजन्स एज यूक्रोमैटिन. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ heterochromatin and euchromatin. When we talk about heterochromatin means it is the that region of your DNA which is not going to express, no expression. The reason is it is completely non-coding region. Okay, and other than that, when we talk about euchromatin, it is that region which is expressed. Okay, expression takes place in this region, so definitely it's a coding region. Okay, now you can see that these regions, these satellites are mainly present on centromere, telomere and heterochromatin region.
Okay, now other than that, repetitions of short DNA sequence tend to produce a different frequency of the base ATGC. Okay, so suppose in a DNA, consider कोई ऐसा जगह है कि जहां पे कंटिन्यू जीसी या सीजी 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 ऐसा ही सीक्वेंस है, करेक्ट? तो डेफिनेटली इस जगह पे जो सी और जी है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई। नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं, नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि इनर डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए एटीजीसी का जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑलमोस्ट सब जगह सेम है, करेक्ट? थोड़ा एटीजीसी कहीं AA दो आते होंगे, कहीं TT दो आते होंगे, कहीं GG दो आते होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग एक बड़ा स्ट्रेच देखें तो ऑलमोस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ATGC सेम ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डीएनए, दैट इज आवर कंसिडरेशन। बट बिकॉज ऑफ सैटेलाइट डीएनए यहां पे इस पूरे डीएनए में सपोज सीजी 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 बहुत ज्यादा है एक एरिया में, तो ये वो एरिया हो गया जहां पे CNG की जो फ्रीक्वेंसी है वो एकदम से बढ़ गई, करेक्ट? सो because of such repetitions of short DNA sequence tend to produce a different frequency of the base A, T, G and C and have a different density from bulk DNA. Definitely, the density in this area will be more. Clear? So suppose we have a double stranded DNA and we will break this DNA into parts. Okay, with the help of any endonuclease or any chemical. In this, suppose this CGCGCG region is present in this area. Okay, and means this particular fragment is rich in CGCGCG. अगर ऐसा है और बाकी जगह पे ATGC का almost consider करते कि same ये है density. अगर ऐसा है तो जहां पे भी G और C होते हैं, keep in mind, उस जगह पे higher density होती है. Correct? अब अगर हम लोग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन वी आर वेल फैमिलियर, हम लोग एक सुक्रोज का ओके डेंसिटी ग्रेडियंट बनाते हैं। डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन मींस जहां नीचे सबसे ज्यादा डेंसिटी है ओके और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे द डेंसिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग। यू कैन सी क्लियर, जो सुक्रोज का या किस हम लोग सीजियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, मोस्टली डीएनए के लिए वी टेक सीजियम क्लोराइड ओके और यहां पे नीचे सीजियम क्लोराइड की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट डेंसिटी है ओके और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं डेंसिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग। आपको दिख रहा है ये उतना रेयर होते जा रहा है, ठीक है? तो नीचे सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी और ऊपर लीस्ट डेंसिटी है सीजियम क्लोराइड की, करेक्ट? नाउ अगर हम लोग ये डीएनए के फ्रैगमेंट्स यहां लोड करें, क्लियर, इस क्लियर सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक, एंड एक्सपेक्टेड ये है कि ऑलमोस्ट सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स अगर एक ही साइज के हैं सपोज, तो एक्सपेक्टेड ये है कि ऑल शुड फॉल, क्लियर, उनके पर्टिकुलर डेंसिटी पे आके उन्होंने एक बैंड बनाना चाहिए, एक जोन देना चाहिए, करेक्ट? क्योंकि इसके नीचे वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि इसके नीचे इससे ज्यादा डेंसिटी होंगी, वी कॉल दैट एज बायंड डेंसिटी, करेक्ट? बायंड डेंसिटी मतलब इसके नीचे इससे ज्यादा डेंस सॉल्यूशन है, इसलिए ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स यहां तक आएंगे, इसके नीचे नहीं आएंगे, करेक्ट? बट इन डीएनए फ्रेगमेंट्स में एक डीएनए फ्रेगमेंट ऐसा है विच इज रिच इन सीजी 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 सीजी, ऐसे कई रिपीट्स है उसमें, कीप इन माइंड ऐसे रिपीट्स कभी कभी 1000 रिपीट्स, 1000 न्यूक्लियोटाइड के भी रिपीट्स हो सकते हैं एंड मिनिमम 5 to 50 होते हैं। तो सपोज ऐसे 50 रिपीट्स है ऐसे सीजी सीजी के इस पर्टिकुलर बैंड में विच वी आर शोइंग हियर, ओके? तो डेफिनेटली इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएंगे एंड दैट्स व्हाई इसका एक अलग जोन हमें दिखाई देगा जो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा और नीचे होगा एंड दैट्स व्हाई इस जोन को हम लोग कहेंगे सैटेलाइट, ओके? इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन जोन, जो मेन जोन बना है उसका वो पार्ट नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ ओके, ये उससे थोड़ा सा अलग है, अलग हटके है एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट सैटेलाइट, ओके? एंड दिस इज अ सैटेलाइट बैंड एंड दिस इज द मेन डीएनए फ्रेगमेंट का बैंड, क्योंकि यहां पे ऑलमोस्ट सबकी डेंसिटी एक जैसी है। बट इनस्टेड अगर वो 80 रिच होता,
मतलब कंटिन्यू 80 80 80 80 अगर ऐसा कुछ होता ओके okay? तो ऐसे केस में क्या होता, डेफिनेटली उसकी लोअर डेंसिटी होती है, ठीक है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ दो ही न्यूक्लियोटाइड का रिपीट हो सकता है, ओके okay? जैसे मैंने अभी बताया एटीजीसी सीटीजीए जीसी, अगर ऐसा भी बेस पेयरिंग है तो भी एटीजीसी सीटीजीए जीसी, अगर ऐसा 10 न्यूक्लियोटाइड का यही रिपीट 10 न्यूक्लियोटाइड का फिर से है तो भी इसमें जी और सी का कंटेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू एनटी, एंड इसलिए इसकी भी फिर से डेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा सीक्वेंस है, कंसिडर एक 25 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है और ये 25 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कई जगह रिपीट हुआ है बट इसमें 80 रिच है, मतलब इट इज मोर हैविंग मोर परसेंटेज ऑफ 80, तो उसकी डेंसिटी लोअर रहती है, तो वो जो जोन बनाएगा वो इसके कंपैरिजन में ऊपर बनाएगा, करेक्ट। तो ये जो हमें मिल रहे हैं वी कॉल सच बैंड सच जोन एज सैटेलाइट, ओके। लुक एट इट, रिपीटेशन ऑफ शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस टेंड टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ओके। सो द फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट ऑफ एटीजीसी and have a different density, okay, from the bulk DNA, such that they form a second or satellite band. So main jo band hai aapka, clear? Aapke maximum DNA ka jo density hai, wo band jahan aayega, usse ye thoda sa alag banayega, hat ke banayega, thoda sa slightly upper ya niche, depending on ki usme 80 zyada hai ke GC zyada hai, and ye curve when we will perform a density gradient centrifugation only in that case, okay? Now, satellites bhi mainly do tarike ke hote hain. Actually, there are many more types of satellite DNA, but main two parts of satellite DNA are there. First is mini satellite. When we talk about mini satellite, it is having 10 to 60 base pair, okay? Matlab at least 10 base pair ya 10 se 60 बेस पेयर तक के, ठीक है, रिपीट्स इसमें हो सकते हैं मिनी सैटेलाइट में, और अगर 60 से ज्यादा है तो हम उसे मिनी सैटेलाइट नहीं कहेंगे। मैंने अभी बताया आपको कि ऐसा पॉसिबल है कि 100 न्यूक्लियोटाइड का भी कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस हो सकता है, ओके, और यही 100 न्यूक्लियोटाइड का भी सीक्वेंस रिपीट हो रहा है कंटिन्यू एक आध जगह पे डीएनए के, तो वो सैटेलाइट कहलाया जाएगा, लेकिन इट विल नॉट बी कॉल्ड मिनी सैटेलाइट, अदर देन दैट माइक्रो सैटेलाइट, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि माइक्रो सैटेलाइट जो होते हैं वो 10 बेस पेयर से क्लियर कम होते हैं, ओके, मींस 10 से 60 है, 10 टू 60 है तो मिनी सैटेलाइट, एंड 10 से कम है तो वी कॉल इट माइक्रो सैटेलाइट, एंड इट इज सीन के मिनी सैटेलाइट्स आर वेरी कॉमन इन द सेंट्रोमेरिक एंड टेलोमेरिक रीजन, माइक्रो सैटेलाइट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट बट मिनी सैटेलाइट्स आर मोर कॉमन इन सेंट्रोमेरिक एंड टेलोमेरिक रीजन। Now, this repeated pattern, अगर ये एक ही बेस पेयर का है तो मोनोन्यूक्लियोटाइड रिपीट कहा जाएगा, और ऐसे 1000 न्यूक्लियोटाइड्स भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा था ए ए ए, और ऐसे अगर 1000 है ए, ठीक है, पॉसिबल है, तो अपोजिट साइड में ऑफकोर्स टी होगा, करेक्ट। नाउ अदर दैन दैट, लेट्स मूव आवर अटेंशन टू माइक्रो सैटेलाइट, क्यों, क्योंकि मेनली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये मेथड माइक्रो सैटेलाइट के ऊपर ही बेस्ड है, ओके। नाउ माइक्रो सैटेलाइट आर लेस देन 10 बेस पेयर लेंथ व्हिच वी हैव सीन जस्ट नाउ, करेक्ट। तो सपोज ये जो हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं डाइन्यूक्लियोटाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये दोनों किस में आ जाएंगे, माइक्रो सैटेलाइट में, क्योंकि यहां पे सिर्फ सीजी 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 ऐसे ही रिपीट है, यहां ए मतलब मोनोन्यूक्लियोटाइड रिपीट है, डाइन्यूक्लियोटाइड रिपीट है, एंड बोथ आर अ पार्ट ऑफ माइक्रो सैटेलाइट, करेक्ट। एंड ये रिपीट हो सकते हैं 5 to 50 टाइम्स मोस्टली, ओके, मतलब मिनिमम 5 टाइम्स तो रिपीट होंगे, ओके, और 50 टाइम्स तक भी रिपीट हो सकते हैं, या कभी भी उससे ज्यादा। नाउ कीप इन माइंड आई हैव रिटन मोस्टली हियर, मींस इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा 5 to 50 हो, बट मोस्ट ऑफ द माइक्रो सैटेलाइट्स आर फाउंड टू बी More than 5 and less than 50. Means, अगर कोई 4 न्यूक्लियोटाइड का रिपीट है, ओके, ए ए जी सी, ओके, ए ए जी सी, तो सेम ए जी सी इज प्रेजेंट ए जी सी ए जी सी ए जी सी ए जी सी ए जी सी, ऐसे 50 बार भी वो आ सकता है, ओके,
same AAG, see AAG, see AAG, see AAG. So there is actually, it's just having a length of 4 nucleotide. लेकिन ये जो 4 nucleotide का tetra nucleotide repeat है, यही 50 times आ रहा है. Okay? Now, this is, well, possible, 5 to 50 times mostly. Occurs at thousands of locations within the organism's genome. मतलब पूरे जीनोम में हजार, okay, thousands of locations में ये लिख सकता है. Thousands of locations, okay. So not only centromere and telomere, there it might be present thousands of location. ठीक? Now, but always in which DNA? Junk DNA, non-coding DNA. Now, high mutation rate. Yes, this is their characteristic. The mutation rate here is high, and definitely, agar inme mutation rate high hai, to kya hoga? Okay, mutation rate high hai, to inme genetic diversity bhi zyada hogi. Matlab it will lead to polymorphism. Okay, now if this is so, polymorphism isme bahut zyada dikhai dega. Why? Reason? Suppose कोई पर्टिकुलर रिपीट है, ओके, डीएनए का, एंड ये डीएनए में क्लियर ए ए जी सी ऐसा रिपीट है, ओके, तो डेफिनेटली ऑपोजिट साइड में होगा टी टी सी जी, करेक्ट, और फिर से ए ए जी सी, फिर से टी टी सी जी, ए ए जी सी, फिर से टी टी सी जी, क्लियर. सपोज ऐसा एक रिपीट है और इसमें म्यूटेशन का रेट ज्यादा है. And of course, this particular repeat AAGC, 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 okay, is present throughout the DNA. सिर्फ DNA में किसी एक ही जगह नहीं, clear? किसी chromosome में, किसी DNA में ये अगर ऐसे repeats 50 बार आए हैं, तो एक जगह पे ये ऐसे 3 बार repeat हुआ है AAGC, 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 ऐसा ही 3 बार और आगे जाके repeat हुआ है, correct? तो definitely these repeats are there. लेकिन अगर इनमें म्यूटेशन का रेट ज्यादा है तो व्हाट विल हैपन? अरे म्यूटेशन का अगर रेट ज्यादा होगा तो इन माय बॉडी अगर इस जगह पे कहीं म्यूटेशन हुआ और किसी और के बॉडी में वहां पे म्यूटेशन नहीं हुआ तो डेफिनेटली ये रिपीट मेरे बॉडी में चेंज हो जाएंगे, बट दे वोंट वेरी इन अदर्स. मतलब ये जो पर्टिकुलर माइक्रोसैटेलाइट है ये मेरी आइडेंटिटी है. क्यों? क्योंकि मेरे बॉडी में एक पर्टिकुलर म्यूटेशन हुआ जिसके चांसेस ज्यादा ज्यादा म्यूटेशन कहां हो रहे हैं, जो मैंने अभी बताया माइक्रोसैटेलाइट डीएनए में. तो अगर माइक्रोसैटेलाइट डीएनए में ज्यादा म्यूटेशंस हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर सीक्वेंस में अगर मेरे बॉडी में कुछ म्यूटेशंस हुए तो ये जो रिपीट्स है तो चेंज हो जाएंगे, ओके, एंड दैट्स व्हाई रिपीट्स चेंज होंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी लोगों से मेरा डीएनए स्लाइटली अलग होगा, करेक्ट, एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. इसी के बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में. ओके, नाउ हाई जेनेटिक डायवर्सिटी, पर्सन टू पर्सन इट विल वैरी, एंड इसी को हमने पॉलीमॉर्फिज्म कहा है. तो व्हाट इज एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म? नो डाउट ऑल ऑफ अस, ऑल होमो सेपियंस, ऑल ह्यूमन बींग्स आर हैविंग जॉ, बट दिस जॉ ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट. All are having sound box, but everyone's voice is its identity. Very few or very few chances are there that two people might be having similar voice. Okay? Similarly, and this many other characters are there in which there are big variations. And this is called polymorphism. इसको हम लोग क्या कहते हैं? Polymorphism. Correct? तो ऐसे ही हमारे बॉडी में जो माइक्रोसैटेलाइट्स है, पर्टिकुलर सीक्वेंसेस है, वो यहां और कई जगह पे हमारे जीनोम में रिपीट हुए हैं, लेकिन इनमें ये जो रिपीट होना है ये सब में थोड़ा थोड़ा वैरी करता है. ओके, नाउ दे आर ऑल्सो कॉल्ड, माइक्रोसैटेलाइट को ही हम लोग शॉर्ट टैंडम रिपीट्स कहते हैं, ओके, एसटीआर, और इसी का दूसरा नाम है सिंपल सीक्वेंस रिपीट, एसएसआर. ओके, तो ये दोनों वर्ड्स ठीक से याद रखना है. रीजन, कभी माइक्रोसैटेलाइट वर्ड आएगा, कभी किसी एग्जाम में शॉर्ट टैंडम रिपीट्स आएगा, कभी किसी एग्जाम में सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स आएगा. तो एक्चुअली वन एंड द सेम थिंग. नाउ अभी कैसे ओरिजिन होता होगा, ठीक है, थोड़ा देखते हैं, ध्यान देते हैं.
कंसिडर ये डीएनए रेप्लिकेशन वी आर वेल फैमिलियर. नाउ हाउ दीज माइक्रोसैटेलाइट डीएनए आर ओरिजिनेटेड, इनका ओरिजिन कहां से है, ठीक है. अब प्रोबेबली ये कहा गया है, प्रोबेबली मीन्स इट्स नॉट ओके फॉर्म थिंग, ठीक है, ये कोई कंफर्म अभी तक साइंटिस्ट लोगों को भी नहीं मालूम है, ठीक है. इट इज सेड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम डीएनए पॉलीमरेज स्लिपेज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन. ओके ये क्या है, कंसिडर दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ड्यूरिंग रेप्लिकेशन बोथ द स्ट्रैंड्स विल गेट सेपरेटेड, और अब हर स्ट्रैंड के ऊपर क्या बनने वाला है, अ न्यू स्ट्रैंड विल बी सिंथेसाइज्ड, अ न्यू स्ट्रैंड विल बी सिंथेसाइज्ड, करेक्ट. एंड इन दिस वे फ्रॉम अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वी विल फॉर्म टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, करेक्ट. बट कंसिडर ये आपका एक सिंगल स्ट्रैंड है टेम्पलेट, एंड दिस इज योर पॉलीमरेज, एंड पॉलीमरेज थ्रू फिंगर्स इट विल बाइंड टू द टेम्पलेट, और थंब के थ्रू इट विल कीप ऑन एडिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है. तो इस तरीके से रेप्लिकेशन चल रहा है. बाय मिस्टेक ये डीएनए पॉलीमरेज जाते जाते कभी भी स्लिप हो जाता है, और स्लिप होने के बाद वो फिर से इसी टेम्पलेट को आगे बाइंड करता है, ओके, और फिर से उसी सीक्वेंस को फिर से रीड करेगा. तो ये जो यहां का इतना पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो उसने अभी भी रीड किया था लेकिन स्लिपेज हुआ, बिकॉज ऑफ दैट वो फिर से इसको पकड़ेगा एंड इतना रीजन फिर से रिपीट करेगा, ओके. अगर फिर से स्लिपेज हुआ तो फिर से रिपीट करेगा, ऐसे कई बार वो स्लिप हो सकता है किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस से. यस देयर आर सम सीक्वेंसेस जहां पे स्लिप होने के चांसेस ज्यादा है, और ये ऐसी जगह पे अगर वो हमेशा हमेशा ज्यादा स्लिप हो रहा है तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, वही सीक्वेंस इसी डीएनए में जो नया डीएनए बन रहा है इसमें 3-4 बार आ जाएगा, करेक्ट. एंड दिस इज हाउ रिपीट्स आर क्रिएटेड, ओके. इसको हम लोगों ने कहा है स्लिपेज, डीएनए पॉलीमरेज स्लिपेज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, जो डीएनए पॉलीमरेज के मिस्टेक की वजह से होगा, करेक्ट. नाउ माइक्रोसैटेलाइट म्यूटेशंस लीड टू गेन और लॉस ऑफ एंटायर रिपीट यूनिट. अब यहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसैटेलाइट जनरली हम लोग म्यूटेशंस की जब बात करते तो वी मेनली टॉक अबाउट पॉइंट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन मतलब एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का कोई चेंज हुआ है, ए था जी आ गया, सी था टी आ गया, वगैरह वगैरह, दैट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन, जस्ट अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज, और इट माइट बी अ डबल पॉइंट म्यूटेशन, टू न्यूक्लियोटाइड चेंज. बट यहां पे क्या प्रॉब्लम होगा, यहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सीन के जो माइक्रोसैटेलाइट म्यूटेशन से ये गेन और लॉस करवाते हैं ऑफ एंटायर रिपीट यूनिट. मतलब ये जो पूरा ए ए जी सी का हमने यहां पे सीक्वेंस लिखा, ए जी सी ए जी सी ए जी सी, तो यहां पे म्यूटेशन का मतलब है एक पूरा ए जी सी पूरा पूरा लॉस हो जाएगा, ओके. तो डीएनए विल लुक समथिंग लाइक दिस, ओके. ये आपका एक ए जी सी है, ओके, और इसके सामने है टी टी सी जी, करेक्ट. तो ये पूरा ए जी सी, क्लियर. दूसरा ए ए जी सी, एंड इसके ऑफकोर्स सामने कौन होगा, यू विल हैव टी टी सी जी, करेक्ट. एंड दिस इज इट विल कंटिन्यू एज अगेन ए ए जी सी एंड टी टी सी जी. नाउ यू कैन सी हियर कि ये जो ए ए जी सी है ये है, क्लियर, टी टी सी जी, ये ए ए जी सी ये है टी टी सी जी, एंड इसके बीच का जो ए ए जी सी है एंड टी टी सी जी ये ऐसे, क्लियर, आपको दिख रहा है एक स्प्लाइस जैसा हो रहा है, ओके. और अब पॉसिबल है कि ये कट जाए एंड दीज टू विल जॉइन, करेक्ट. और अगर ये कट गया तो इतना पोर्शन जो है वो वहां से निकल जाएगा, डिलीट हो जाएगा, वी कॉल इट डिलीशन. अगर इतना पोर्शन निकल गया तो डेफिनेटली यहां पे जहां पे तीन रिपीट्स थे ए ए जी सी, क्या वो दो ही रिपीट्स रह जाएंगे, करेक्ट. ये टाइप के म्यूटेशंस, दिस इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन, यस, because it is a change in genetic material, so it's a type of mutation. But ye type ki mutations hote hain microsatellite mein. Microsatellite mutations lead to gain or loss of entire repeat unit, pura repeat unit ek to nikal jayega ya fir naya create hoga, kyunki fir se aapka polymerase banate banate slip ho jayega aur fir se us region ko fir se bana lega, to gain bhi ho sakta hai loss bhi ho sakta hai, lekin ultimately wo bhi hai mutation hi, theek hai. ऑफ कोर्स उसके इफेक्ट्स इसलिए नहीं दिख रहे बिकॉज दैट इज प्रेजेंट इन जंग डीएनए,
दैट इज प्रेजेंट इन नॉन कोडिंग डीएनए, इसलिए उसके इफेक्ट्स नहीं दिखाई दे रहे, करेक्ट? नाउ समटाइम्स टू और मोर रिपीट्स, मतलब सिर्फ एक ही रिपीट निकलेगा ऐसा नहीं है, कभी कभी दो या दो से ज्यादा रिपीट्स निकल भी सकते हैं और गेन भी हो सकते हैं। नाउ प्लस पॉइंट म्यूटेशंस, उसका भी रेट यहां पे हायर है। अब अगर पॉइंट म्यूटेशन का भी रेट हायर है तो व्हाट विल हैपन, कंसीडर कि यहां पे डायन्यूक्लियोटाइड रिपीट आपको दिख रहा है, दिस इज अ मोनोन्यूक्लियोटाइड रिपीट, यहां पे मैं डायन्यूक्लियोटाइड रिपीट की बात करता हूं, और अगर यहां कोई म्यूटेशन हो गया कंसीडर, और ये जी जो है वो जी की जगह यहां ए आ गया, ओके? तो क्या हो गया, अब सीजी सीजी वाला जो रिपीट था वो सी ए बन चुका है, ऑफकोर्स यहां ए आएगा तो इसके अपोजिट साइड में यहां पे क्लियर टी आ जाएगा, करेक्ट? आपकी रिपेयर सिस्टम उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगी, करेक्ट? एंड ऐसा अगर कुछ हुआ तो सपोज सी ए सीजी सीजी सीजी, मतलब आगे सीजी सीजी है लेकिन उसमें उतना एक जी तो कम हो गया, एंड दैट्स व्हाई आई विल कॉल दैट नाउ इट इज ओनली थ्री न्यूक्लियर थ्री टाइम्स रिपीट सीजी सीजी सीजी, पहले वो चार टाइम्स रिपीट था सीजी 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 सीजी, नाउ इट इज ओनली सीजी सीजी सीजी, ये तो सीए बन गया। तो पॉइंट म्यूटेशन का भी रेट ज्यादा है, और अगर पॉइंट म्यूटेशन का रेट यहां पे ज्यादा है तो आपका जो माइक्रो सैटेलाइट है जिसको हम लोग शॉर्ट टैंडम रिपीट एसटीआर कह रहे, आपका जो एसटीआर है वो भी सब लोगों में कम ज्यादा होगा, करेक्ट? ऑफकोर्स होगा, क्योंकि कहीं ये गेन कर रहा है कहीं ये लॉस कर रहा है, और पॉइंट म्यूटेशन भी ज्यादा होने के कारण यहां पे, ओके? अगर डायन्यूक्लियोटाइड है मोनोन्यूक्लियोटाइड है, मोनोन्यूक्लियोटाइड में भी अगर पॉइंट म्यूटेशन हो गया तो वो तो उतना रिपीट रहेगा नहीं, उससे कम रिपीट्स हो जाएंगे, करेक्ट? एंड दैट्स व्हाई क्लियर इट इज गोइंग टू वेरी, जिसको हम लोगों ने अभी भी थोड़ी देर पहले पॉलीमॉर्फिज्म कहा, ठीक? पॉइंट म्यूटेशन हायर है एंड देयरफॉर मोर लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, तो जो लेंथ है वो पहले इतनी थी अब वो इतनी ही रह गई है, लेंथ इतनी थी अब ये बीच वाला निकल गया तो लेंथ कम हो गई है, करेक्ट? नाउ मोर सीजी 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 रिपीट्स, यस इट इज सीन के मैक्सिमम सैटेलाइट्स में स्पेशली माइक्रो सैटेलाइट में, ओके? सीजी 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 ये टाइप के रिपीट ज्यादा है, ओके? मैक्सिमम इसमें। और एक और फिनोमेनन ऑब्जर्व की गई है दैट डीएनए पॉलीमरेज का जो स्लिपेज है ना, जो हमने अभी भी डिस्कस किया दिस वन, ओके? डीएनए पॉलीमरेज का स्लिपेज, ओके? इसकी फ्रीक्वेंसी जहां पे भी सीजी 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 ज्यादा है वहां पे ज्यादा रहती है, मींस उसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। आई एम नॉट सेइंग कि सीजी सीजी किसी बात दूसरे सैटेलाइट नहीं बन सकते, ऑफकोर्स बन सकते हैं, ओके? तो दूसरे भी शॉर्ट टैंडम रिपीट्स बन सकते हैं, दूसरे भी सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स बन सकते हैं, लेकिन लेकिन सीजी 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 की फ्रीक्वेंसी इनमें ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई एरर डीएनए पॉलीमरेज से जो एरर हो रहा है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन उसके चांसेस ज्यादा है। एंड अभी मैंने बताया आपको इसी के बेसिस पे हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने वाले हैं, क्लियर? सेम इसी चीज के बेसिस पे, क्योंकि मेरे डीएनए में जो एक पर्टिकुलर टैंडम रिपीट है, ओके, वो मेरी आइडेंटिटी है, सो डेफिनेटली व्हाट आई विल पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, मैं नेक्स्ट जनरेशन को यही टैंडम रिपीट्स पास ऑन करने वाला हूं, करेक्ट? और अगर यही टैंडम रिपीट्स नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन होगी तो क्लियर दैट कैन बी आइडेंटिफाइड, करेक्ट? तो अगर किसी क्रिमिनल आइडेंटिटी में क्लियर कहीं क्राइम सीन हुआ है, क्लियर, किसी का मर्डर हुआ है और वहां पे सीआईडी की टीम या जो सपोज कहीं क्राइम हुआ है, मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, तो ऐसे वक्त में क्लियर पुलिस इन्वेस्टिगेशन व्हाट दे विल डू, दे विल कलेक्ट द वेरियस सैंपल्स इन दैट एरिया, बराबर है? कहीं हेयर मिलेगा उनको, कहीं ब्लड ड्रॉप्स मिलेंगे, ऑल दिस विल बी कलेक्टेड, करेक्ट? और इसमें जो डीएनए है उस डीएनए को क्लियर वो उसका फिंगरप्रिंटिंग करेंगे और उसको आइडेंटिफाई करेंगे, अगर किसी को ऊपर उनको डाउट है तो उसके साथ उसको कंपेयर किया जाएगा, एंड ऑन दैट बेसिस क्रिमिनल आइडेंटिटी कैन बी डन, क्योंकि उस पर्सन का शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, उस पर्सन का सिंपल सीक्वेंस रिपीट, उस पर्सन का माइक्रो सैटेलाइट, ओके, ये उसकी आइडेंटिटी है, ओके? तो क्या सीजी 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 सिर्फ उसी पर्सन में होगा? नहीं, हम में भी है, लेकिन
उसके बॉडी में ये सीजी सीजी के जो रिपीट्स है ये ज्यादा भी हो सकते हैं और हमारे बॉडी में कम हो सकते हैं। ये पर्टिकुलर क्लियर माइक्रोसैटेलाइट जहां हमने लिखा एजीसी, अभी एजीसी क्लियर सब जगह पे क्लियर हमारे बॉडी में जितना है, हमारे जैसे हमारे बॉडी में 3 रिपीट्स है, किसी और के बॉडी में 4 रिपीट हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ओके। और इसके वजह से ये वैल्यू होगा, तो वैल्यू होगा तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किनशिप, किनशिप मीन्स रिलेशन में ओके जो लगते हैं उनको रिलेटिव को पहचानना, तो उसमें मेनली पैटर्निटी एनालिसिस ओके दैट हुज फादर ओके दैट कैन बी आइडेंटिफाइड एंड लिंकेज ओके लिंकेज डेफिनेटली एक पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन्स आयरन में कैसे लिंक्ड है क्लियर वो भी इससे पता किया जा सकता है। स्पेशली प्लांट ब्रीडर्स ओके इसका काफी यूज करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वी विल सी दिस इन मोर डिटेल इन द वीडियो ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नाउ माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट बोथ जिनको मिलकर हमने टैंडम रिपीट्स कहा था, करेक्ट। बट एज डिस्कस्ड अभी अभी हम लोगों ने जो देखा कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस मेरे डीएनए के किसी पार्ट में अगर ये 10 बार रिपीट हुआ है तो किसी और में यही सीक्वेंस हो सकता है 4 बार ही रिपीट हुआ हो, आगे जाके वो पार्ट मेरे डीएनए में ठीक है 15 टाइम्स रिपीट हुआ है, किसी और के डीएनए में 20 टाइम्स आया होगा। मतलब एक ही पर्टिकुलर सीक्वेंस है, टैंडम रिपीट है, लेकिन वो कितनी बार रिपीट हो रहा है ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन ओके। और इसीलिए इसको VNTR कहा गया है, मीन्स वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स ओके, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। और मिनी सैटेलाइट माइक्रो सैटेलाइट दोनों को मिलकर VNTR DNA कहा जाता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, क्योंकि टैंडम रिपीट्स तो है लेकिन इनका नंबर ओके वेरी हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट VNTR। एंड डोंट फॉरगेट STR आपका शॉर्ट टैंडम रिपीट्स या SSR ओके, ये VNTR का ही क्लियर एक सब टाइप बोला जा सकता है, क्योंकि VNTR में मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट दोनों आएंगे ओके। बट शॉर्ट टैंडम रिपीट्स मतलब सिर्फ माइक्रो सैटेलाइट्स ओके, एंड मेनली फिंगरप्रिंटिंग माइक्रो सैटेलाइट के ही ऊपर बेस्ड है, STR के ऊपर ही बेस्ड है, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स के ऊपर, करेक्ट। अदर देन दैट कभी कभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कुछ और चीजों का भी यूज होता है, जैसे ISSR। SSR मतलब सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स, ISSR मतलब इंटर सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स। अब ये क्या है, लुक एट इट, कंसीडर दैट वी हैव अ डीएनए सैंपल ओके, एंड इन दिस डीएनए सैंपल एक जगह ऐसी है जहां पे कंटिन्यू रिपीट्स हुए हैं ओके, टेक एनी सीक्वेंस ओके और उसके कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 रिपीट्स है, करेक्ट। और इसी सीक्वेंस का आगे कहीं डीएनए में सेम डीएनए में यहां पे 10 रिपीट्स है, तो एक ही सीक्वेंस है क्लियर, कंसीडर 4 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है ठीक है, एनी सीक्वेंस, एंड यही 4 न्यूक्लियोटाइड का यहां पे 6 टाइम्स रिपीट हुआ है, यहां पे 10 टाइम्स रिपीट हुआ, आगे और रिपीट हुआ होगा, लेकिन इनके बीच का ये जो डीएनए है ठीक है, दिस वन इज ISSR, that is inter simple sequence repeat, ये है आपके simple sequence repeat, okay? और इसके बीच का sequence is inter simple sequence repeat, तो ISSR को हम लोग ISTR भी बोल सकते हैं, inter short tandem repeats, correct? क्योंकि ये आपका STR है, short tandem repeats, ठीक, और ये हो गया आपका ISTR, शॉर्ट इंटर शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, करेक्ट। इनका भी कभी कभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन इनमें जेनेटिक डायवर्सिटी इतनी नहीं है ओके, ये क्लियर कर दूं, इसीलिए उनका खास जैसे क्राइम सीन पे हो रहे आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके इनका इतना यूज नहीं होता ओके। इनका यूज हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप लगाने के लिए कर सकते, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू या जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू ओके, मतलब कैसे एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ये सब चीजें ओके, यहां पे उनका यूज जरूर किया जा सकता है ओके। नाउ दिस इज व्हाट इज इंटर सिंपल सीक्वेंस रिपीट, इनमें वेरिएशन के चांसेस आर लेस एज कंपेयर टू एसएसआर,
ओके okay? और अगर मैं इसी डीएनए को किसी और के डीएनए के साथ कंपेयर करूं तो आई माइट फाइंड उसके बॉडी में यहां पे एसएसआर या एसटीआर के 4 ही रिपीट्स होंगे, ओके okay? यहां पे 20 हो सकते हैं, तो जहां जा रहे हैं एकदम 20 होंगे, तो एसटीआर के जो रिपीट्स है वो वैरी हो रहे हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट सैटेलाइट डीएनए। ओके please note down all important points in this because it's something on which is based DNA fingerprinting, one of the most important technique of nowadays, especially forensic science. Thank you.